डॉक्टर पत्नी और पार्टनर से विवाद के चलते सुर्खियों में आए महानंदा नगर निवासी अरुण प्रसाद सिन्हा के खिलाफ नागझिरी पुलिस ने 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। खुद को न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट बताने वाले सिन्हा की डिग्रियां फर्जी निकलने के बाद अब पार्टनर की शिकायत पर धोखाधड़ी के केस में फंस गए हैं। नागझिरी पुलिस ने साईं विहार कॉलोनी निवासी सुरेश पिता लक्ष्मी नारायण चौधरी की शिकायत की आवेदन की जांच के बाद सिन्हा को आरोपी बनाया है। नागझिरी पुलिस ने बताया सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के अलावा 24 आयुर्विज्ञान अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई है। नागझिरी थाना प्रभारी विक्रम इवने ने बताया आवेदन की जांच के बाद सिन्हा द्वारा पार्टनर से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। उक्त आधार पर कार्यवाही की गई। सिन्हा को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। सुरेश चौधरी ने नागझिरी थाने में शिकायत की थी कि चिकित्सा व्यवसाय के लिए सिन्हा घर आए और बोले कि मैं न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम पार्टनरशिप में क्लिनिक का संचालन करेंगे, इसमें 50-50% की भागीदारी होगी। क्लिनिक खोलने के लिए सिन्हा ने मुझसे मई 2022 में 40 लाख रुपए कुछ चेक व नगद ले लिए थे। बाद में पता चला कि सिन्हा के पास फर्जी डिग्रियां हैं, मैंने रुपए मांगे तो सिन्हा भाग गया। सीएमएचओ की जांच में भी सिन्हा की संपूर्ण डिग्रियां फर्जी निकली और यूनिवर्सिटी से भी सिन्हा ने फर्जी डिग्रियां प्राप्त की थी। अरुण सिन्हा की डिग्री पर संदेह के चलते सीएमएचओ कार्यालय की ओर से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तय समय अवधि में पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस तरह से समय आगे बढ़ाते रहे और इसकी आड़ में क्लिनिक का संचालन करते रहे। क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में सीएमएचओ कार्यालय की ओर से क्लिनिक का संचालन बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। वर्ष 2020-21 में सिन्हा ने उज्जैन में क्लिनिक का संचालन किया था। एक आवेदक आए थे सुरेश चौधरी, जिन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था अनावेदक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा के विरुद्ध, जिसकी जांच की गई थी, जिसके जांच के दौरान उसके पास से फर्जी डिग्री मिली थी और जिसकी जांच सीएमओ द्वारा भी की गई थी। उनसे भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, तो जिसमें बिल्कुल उल्लेख था कि इनके द्वारा जो डिग्री दी गई है ये फर्जी निकली है, इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी आरोपी की तलाश भी जारी है। उसके घर पर दबिश भी दी थी परंतु फरार है भी। हाँ, इनने जो आवेदक है अरुण चौधरी, उसके साथ में मिल करके एक क्लिनिक खोलने का शुरुआत करी थी इन्होंने, परंतु इसको जब पता चला क्लिनिक पे आने जाना नहीं किया इसने और करीबन 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था फरियादी द्वारा, ऐसा फ्रॉड हुआ था उसके साथ।